हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? लॉकडाउन का हाल कैसा है? इट्स गेटिंग एक्सटेंडेड डे बाय डे, बट डोंट वरी, हमारा सीटेट एग्जाम होपफुली जुलाई में जो है, तो आई एम श्योर इट विल गेट कंडक्टेड ऑन टाइम. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो आगे वाली स्टेट टेस्ट तो सब पोस्टपोन हो जाएंगे, ये बात तो हम सबको मालूम है. ओके, तो कमिंग टू हमारे बिंगस फॉरगेटिंग थ्योरी, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है. इनफैक्ट वी कम टू नो, पहली बार मुझे भी ये थ्योरी मालूम नहीं था. ओनली व्हेन आई स्टडीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट मालूम हुआ, एंड नाउ आई नो हाउ इम्पोर्टेंट, क्यों हमारे स्कूल्स में मेमोराइज करने के लिए बोलते हैं, फिर से पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं. दिस इज द रीज़न वाई. क्या है, हमें इस थ्योरी मालूम होने के बाद हमें मालूम होता है. तो गाइस, एग्जाम्स में क्या होता है ना, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये हर साल नहीं आता, लेकिन हर एक दो साल में क्वेश्चन फ्रॉम एबिंगस थ्योरी ज़रूर आता है. सो लेट्स लुक एट इनटू दिस. बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये जो एबिंगस फॉरगेटिंग थ्योरी भी बोलते हैं इनका. ये जो थ्योरी है, इट इज़ ऑल अबाउट मेमोरी एंड लर्निंग, यानी हमने क्या सीखा है और कितना याद है. मेमोरी इज ऑल अबाउट वॉट वी हैव रिटेन, है ना. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है, हमने क्या से इनके ऊपर बेस्ड है ये थीरी. जो ये हेरमन एबिंगस जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1850 एंड 1909 में वो गुजर गए हैं. एक बहुत अच्छे फेमस जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, एंड ही उनका ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं, यानी कितना याद कितने दिनों के बाद कितना याद रखता है और कितना स्पेसिंग इफेक्ट. उनका एक डिस्कवरी है, वो होता है स्पेसिंग इफेक्ट. वी लर्न ऑल दिस इन आर सेशन टुडे. ये स्पेसिंग इफेक्ट क्या होती है, यानी कितने दिन के बाद हम अगर पढ़ेंगे तो कितना याद रहेगा, ये सब उनके ऊपर बहुत इन्होंने रिसर्च किया है. और लर्निंग का बोलते हैं, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन आर क्लास. सो हमें एक बात बोलना हो, लेट्स टेक इट वेरी जनरल, वेरी इंटरेस्टिंग थीरी है. इसमें बाय हार्ट वाली बात हो तो दिस विल बी द थिंग दैट यू नीड टू रियली बी थरो विथ. बाय हार्ट करना है एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नहीं तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो हमें बहुत वेरी क्लियरली वी आर अवेयर दैट हम जो कुछ पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम भूल भी जाते हैं, कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं, है ना. तो इनका जो वर्क है एज अ मॉडल और एक्सप्लेनेशन ऑफ मेमोरी कैसा फंक्शन होता है, इनका मॉडल यही है. और वो भी, दिस थियरी इज बेस्ड ऑन अ बिहेवियरिस्ट थियरी विच इज मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड री इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स. तो ये बात आपको याद रखना होगा. ओके, दैट इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस. इनका थियरी कौन से ऊपर बेस्ड है? ड्रिल एंड, यस ऑब्वियसली हमारे स्कूल्स में हर जगह बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, ड्रिल करो, ये इसी वजह से. तो हम कई बार लोगों को देखते हैं कि स्टीप लर्निंग कर्व, आई एम ऑन अ स्टीप लर्निंग कर्व, यानी इट मीन्स दैट देयर सो मच टू लर्न एंड दे डोंट हैव इनफ टाइम टू लर्न इट एंड देयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. तब उनको बोलते हैं स्टीप लर्निंग कर्व वाली बात आती है. और ये लर्निंग कर्व क्या है, जब हम लर्निंग कर्व बोल रही हूँ यहाँ पे, इट इज ऑल्सो अ टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ मेमोरी एंड रिकॉल ऑफ हरमन एबिंगस. यानी क्या, कौन सी जो कैसे कितना याद रहता है, कैसे याद रहता है. व्हेन वी लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन इट टेंड्स टू फेड अवे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. अगर हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, आज मैं कुछ सीखती हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगी, ड्रिल नहीं करूँगी या फिर से वो रीड नहीं करूँगी, कुछ दिनों के बाद मैं कंप्लीटली भूल भी सकती हूँ. थोड़ा बहुत ये एक दो वर्ड्स याद होंगे, नहीं तो जस्ट याद रहे, एग्जैक्टली एज इट इज याद नहीं होता. इन जनरल ही टर्म्ड इट एज अ फॉरगेटिंग कर्व. तो उन्होंने कहा कि इस जो कुछ प्रोसेस है, इसको फॉरगेटिंग कर्व बोल दिया उन्होंने. और ये ग्राफ्स के साथ हमें दिखा दिया उन्होंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. सो इफ लर्निंग इज प्रैक्टिस, देखिए दिस इज फॉर ऑल द टीचर्स इरेस्पेक्टिव, अगर आप टीचर हो, पेरेंट हो, जो भी हो, दिस इज एन एब्सोल्युटली एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबको मालूम होना है. इफ लर्निंग इज प्रैक्टिस, यानी रिहर्सल करते हैं, रिपीटेड करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में करते हैं, देन हम कम फॉरगेट होते हैं, इजंट इट. हम कम भूल जाते हैं, ज्यादा याद रहेगा वो बात. इसीलिए हम बच्चों को क्यों ABCDs इतने बार बच्चों को हम क्यों रिपीट करवाते हैं,
छोटे उम्र में, नहीं तो आंसर्स भी 5 बार पढ़ो या 2 बार लिखो, ऐसे क्यों बोलते हैं बच्चों को? बिकॉज व्हेन दे राइट और व्हेन दे रिहार्स द सेम थिंग अगेन अगेन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सही कोट होगा इनके थीरी का. तो ही रियलाइज दैट और रादर फाउंड दैट देर इज अ स्पेसिंग इफेक्ट, यानी विच इन्फ्लुएंसेस हाउ मच वी कैन रिकॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी आज मैं कुछ पढ़ी हूँ, कल कुछ और पढ़ू, यही कॉन्सेप्ट कुछ दिनों के बाद अगर पढ़ूंगी और कुछ दिनों के बाद पढ़ूंगी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे या एक हफ्ते के बाद, देन बेस्ड ऑन माई स्पेसिंग इफेक्ट ये वॉट एवर मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छी तरह याद रहेगा, बेस्ड ऑन द स्पेसिंग इफेक्ट वो होगा. ओके तो दैट इज वन थिंग. हाँ, और इनका एक यू नो देर इज अ स्टैटिस्टिकल, एक मिनट लेट मी सी, यस, तो स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन क्या है? तो उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक ग्राफ के ऊपर एक लर्निंग कर्व बना दिए और ही शोड कि कैसा है. आई शो दैट ऑल्सो टू यू. तो ये एडुकेशन में कैसे अप्लाई हो रहा है, दैट यू माइट आस्क मी. तो टीचर शुड रियलाइज दैट द प्राइमेसी रीसेंसी इफेक्ट्स आर ऑफन प्रेजेंट इन द फॉरगेटिंग कर्व. ये प्राइमेसी जब मैं बोल रही हूँ, वॉट डू यू मीन बाई प्राइमेसी? Something which is the foremost, most important, recency, the property of having happened or been not long ago. Okay, the most recent effect, present. This is what we have learnt. Where most recently is what we remember. यही बात है यहाँ पे. That's what they mean to say. Okay. तो एबिंगर्स के हिसाब से फॉर मोर डिफिकल्ट कंटेंट जो कुछ होता है, रेगुलर रिविजन बहुत ज़रूरी होती है फॉर अ मोर इफेक्टिव देन अ वन टाइम डिलीवरी ऑफ द कंटेंट. अगर मैं बच्चों को, क्यों स्कूल्स में अभी क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बोलने के बाद फिर से नेक्स्ट डे व्हेन द टीचर इज गोइंग टू टेक अ न्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ इट, थोड़ा रिविजन करते हैं ना फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का, लास्ट क्या सीखे थे हम कल के क्लास. सो दिस वे बच्चों का अगर रेगुलर रिविजन, इट इज़ मच मोर इफेक्टिव होता है जब टीचर जब बोलते हैं, बच्चों भी अच्छी तरह सीख लेते हैं. सो वेरी इफेक्टिव होता है ये प्रोसेस ऑफ रिविजन वाली बात. तो इट हेल्प्स देम टू स्ट्रेंथन देयर रिकॉल, यानी उनको याद जो कुछ आने के लिए वो हेल्प करता है. तो इसीलिए एडवाइज, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिवाइज कंटेंट ऑन रेगुलर इंटरवल्स देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एबिंगर्स डिस्कवर्ड वन मोर अनदर फिनोमिना, ये होती है ओवर लर्निंग. तो एक्चुअल आइडिया ये है कि हम जो कुछ प्रैक्टिस करते हैं और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल भूलेंगे नहीं. दैट इज कॉल्ड ओवर लर्निंग. ओवर लर्निंग की इफेक्ट क्या होती है, विल नेवर फॉरगेट इन अ लाइफ टाइम. एंड रेट ऑफ फॉरगेटिंग, जैसे मैं बोल रही थी, रेट ऑफ फॉरगेटिंग, वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉरगेटिंग. कौन सा फैक्टर्स होते हैं, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकती है. सचेस देखिए, कभी कभी फॉरगेटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस के साथ नहीं, हमारा अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्लीप कोटा कम है, इवन दैट दी साइकोलॉजिकल बेसिक फैक्टर्स जो कुछ होते हैं, दे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आर फॉरगेटिंग, यू नो, जो कुछ हम भूल भी सकते हैं. और एक और बात, शायद आप पूछोगे क्या सबको एक ही है? नहीं नहीं, इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन. शायद आपका आईक्यू कुछ और है, मेरा आईक्यू कुछ और होगा, रेट ऑफ फॉरगेटिंग आपको कुछ और हो सकता है, मेरा भी कुछ और हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि हम सबका एक ही हो, बट इन जनरल वाली बात मैं बोल रही हूँ. ओके, एंड हर्मन एबिंगर सेड दैट डिफरेंस इन मेमोरी एंड परफॉर्मेंस बिटवीन टू डिफरेंट पीपल कैन बी एक्सप्लेन बाय न्यूमोनिक, यानी रिप्रेजेंट. हम जैसे उन्होंने क्या किया ना, एक्चुअली हर्मन एबिंगर्स ने क्या किया, ही वॉज हिज ओन सब्जेक्ट, उनके एक्सपेरिमेंट जो कुछ किए ना वो खुद का, ही ओनली डिड ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिमसेल्फ. तो उन्होंने क्या किया, ही मेमोराइज नॉन सिलेबल्स, यानी बिट्स ऑफ, ऐसे कुछ जो कुछ मन में आया, ऐसे तीन लेटर वाले वर्ड्स को, डजंट मेक एनी, नॉन सेंस सिलेबल्स क्या होते, वी डू नॉट मेक एनी सेंस, है, ऐसे वर्ड्स को प्रैक्टिस किए, टेस्ट कर दिए पीरियोडिकली और उनको रिमेम्बर करने के लिए ट्राई किया. इनके ऊपर ऐसे कॉन्सेप्ट लेके ही केम अप विद दिस कर्व, एलैप्सिंग टाइम, यानी एक दिन में कितना होगा, कितना परसेंटेज, और दो दिन में या 6 डेज में कितना परसेंटेज. तो रिटेंशन, यानी दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
देखिए, इमीडिएटली अगर मैं कुछ पढ़ने के बाद इमीडिएटली कुछ पढ़ूंगी तो रिटेंशन पार्ट कितना होगा, 100% होगा। 20 मिनट के बाद 58% होगा। तो आफ्टर 20 मिनट्स इफ आई थिंक ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट अगेन, आई कैन रिटेन ओनली 58% ऑफ वॉट आई हैव लर्न्ड। एक घंटे के बाद इट इज 44%, और 9 घंटे के बाद इट इज 36% ओनली, और एक दिन के बाद हार्डली इट इज 33% दैट आई विल रिमेम्बर। ओके, तो जनरली एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, 2 दिन के बाद या 6 दिन के बाद कितना रिटेन हुआ। यहाँ क्वेश्चंस जो दिया जाते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंगली दे देते हैं, जैसे कि आइदर व्हाट इज द रिमेनिंग रिटेंशन, नहीं कितना भूल सकता है करके भी पूछ सकते हैं। देन यू शुड से आफ्टर 60 75% इज लॉस्ट, ओनली 25% विल बी रिमेनिंग। ऐसा तो दिस थिंग यू रियली हैव टू बाय हार्ट। अगर पसंद आए तो ऑब्वियसली 3-4 बार अगर आप भी रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। सो ऑल यू नीड टू नो इज वी रिमेंबर 100% ऑफ वॉट वी लर्न, और जैसे ये टेबल है 31% आफ्टर 21 डेज। नहीं 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 आई थिंक 21, ये 31 नहीं है, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, हाँ 21 है, आई एम सॉरी हियर, हाँ 31, 1 सेकेंड, 25, दिस इज 21 डियर, हाँ ये 21%, 1 मिनट, आई थिंक दिस सम 60, दैट्स ऑल, इट्स अराउंड 28% और ये 21% ऐसा कुछ होता है। सो जनरली आपको 2 डेज के टाइम पे दे डू आस्क यू कि 2 डेज उसके टाइम पे कितना होता है, इतना एवरेजली पूछते हैं। तो नियरेस्ट आपको जब ऑप्शन दिए जाते हैं यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स वी कैन रिकॉल 60%, दैट इज 58% या 60% ऑफ वॉट वी लर्न, अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ। एक घंटे के बाद अराउंड 45 to 40 to 45 ऐसा होता है, और एक दिन के बाद इट्स अराउंड 30 to 34% ऐसा। ओके, और 6 डेज आफ्टर लर्निंग पूरा इट विल बी अराउंड 23%, एंड ओनली 15% वाज व्हाट विल परमानेंट स्टोरेज, क्या होती है, सिर्फ 15% होती है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट अबाउट अवर एबिंगस थियरी, दैट्स ऑल। सो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एबिंगस आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट हिज सेकंड ग्राफ विल टेल अस आल्सो। इफ यू गो ओवर the same notes you took on day one in a week, let us say on Monday, 2 times later that week, यानी हम आज जो कुछ पढ़े उस हफ्ते में और 2 बार पढ़ चुके होंगे, मंडे एक दिन और दूसरे, तो मुझे देर चांसेस की मुझे 80% ऑफ द मटेरियल जो कुछ मैंने सीखा याद रहेगा। लेकिन अगर मैं अच्छी तरह नहीं रेगुलर रिविजन नहीं है तो भूल जाते हैं। Based on regular revision, there is high chances that I retain what I learned. तो उनका एक और important point that you should know is the forgetting curve to be exponential in nature. उन्होंने एक formula दिया था, that's this, R equal to e to the power of minus t by s. ये power है, मुझे यहाँ लिखना नहीं आया, तो R equal to e to the power of minus t by s, that is e is the exponential. और R क्या होती है यहाँ पे, इट इज़ अ रिफर टू मेमोरी रिटेंशन, यानी कितना हमें याद है, और यस होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मेमोरी, और टी इज रिफर टू द रिफर टाइम। जनरली ये सब नहीं पूछते आपको, शायद ये फॉर्मूला पूछेंगे और पूछेंगे आपको दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय हुम, हर्मन एबिंगस, राइट। और परसेंटेज भी पूछेंगे, 2 दिन के बाद कितना याद रहेगा वो याद रखो, बस दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो होप Now it's very clear to all of you. If you go that extra mile, अगर आप आपका notes अभी CTET का जो है अभी revision एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार revision जब करते हो, then see you will only understand कि आप कितना retain कर पाओगे, right? So amazing, isn't it? So don't forget the Ebbinghaus theory, one of the very interesting theories. मेरे सब students को बहुत पसंद है ये theory, मुझे भी personally. और दोस्तों, this is my book. इनका notes, इनका key points जो कुछ चाहिए तो पूरे के पूरे की पॉइंट्स आर ऑल देयर इन माय बुक, और आई डोंट मच ऑफ अ प्रमोट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये 11 सेलेंट फीचर्स हैं ऑफ द बुक। हम न्यूमोनिक्स है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस है, मोटिवेशनल मैसेजेस हैं, और जनरल टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस, ये सब की पॉइंट्स हैं। यू विल नेवर फाइंड ऑल दिस इन एनी वन बुक, एंड दैट एक्सक्लूसिव बुक इज माइन। सो लॉकडाउन होने के बाद ज़रूर परचेज कीजिएगा, प्रिंट कॉपी भी अवेलेबल है और ई कॉपी अभी भी अवेलेबल है। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. टेक केयर. बाय बाय. बाय. ओके. टाटा.